Okay, at last started session. Good evening everyone, welcome to Unacademy. So my learners join the session. Hello Padmaja, welcome to Unacademy. So please, learners, please tell me, am I audible and visible to you? So write in comment section, am I audible and visible to you or not? So write yes, that is small, so keval y likhiye, and if not, so please write 9N on your comment section. Hello Ambika, good evening, welcome to Unacademy. Good. Thank you so much Ambika and Padmaja joining this session. Ambika is our plus learner. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, भी आपके सामने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगी. प्लस कोर्स क्या है, जो कि ये डिटेल कोर्स है. ये 25 जनवरी से इसकी क्लासेस स्केड्यूल्ड हैं आपकी 25 जनवरी से. वो ये स्पेन में क्या प्रॉब्लम आ रही है. 25 जनवरी से इसकी क्लासेस स्केड्यूल्ड हैं और ये चल रही हैं. आपकी क्लासेस ख़त्म होंगे 22 मार्च के बाद. उसके बाद फिर से हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आएंगे आपके एमसीक्यूज के साथ. जितने भी मेरे सेशंस हुए हैं, चाहे यूट्यूब सेशंस हो या स्पेशल क्लासेस हो सिंस जनवरी, इन सब में विदाउट एमसीक्यूज कोई भी लेसन हमारे नहीं है. तो जितने भी लर्नर्स हैं, ये सब हमारे पुराने लर्नर्स हैं, प्लस लर्नर्स हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स से, क्योंकि आपका कोर्स सिलेबस काफ़ी अच्छे से चेंज हुआ है. तो उसमें वेस्टर्न थिंकर्स भी नए नए आए हैं. प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लर्नर्स की मैसेज आ रहे हैं कि उसको भी कंप्लीट कराया जाए. तो मैं सोचा कि यूट्यूब पर उसको लाया जाए, ताकि सबको एक साथ बेनिफिट मिल सके. हेलो बाबर, हेलो बैटी, हेलो अंबिका एंड पद्मजा, ललिता, वेलकम टू अनअकैडमी. गुड इवनिंग एवरीवन. So I just want to give a little bit of my introduction. I'm a verified educator on Unacademy since August 2017. And if you visit my profile, you can find out my lessons on free platform. Already created 170 plus lessons on free platform. Also, you can watch my free lessons on special classes and also in your YouTube session. जैसे कि ये Unacademy का official channel है, Unacademy NTA UGC Net Live. यहाँ पे आप सारे sessions देख सकते हैं. Question आता है कि जो मेरे previously YouTube के जो lessons complete हो चुके हैं, वो कहाँ मिलेंगे? इसके playlist में जाके आपको एजुकेशन के नाम से फोल्डर मिलेगा. वहाँ पे जितने भी क्लासेस हुई हैं एजुकेशन की, वो सारे फोल्डर एक जगह आपको एक साथ मिल जाएंगे. ठीक है. हेलो कौन से लोग जुड़े. हेलो स्माइली, वेलकम टू अन अकेडमी. तो काफ़ी पुराने चेहरे, पुराने लर्नर्स यहाँ पे दिख रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. आई होप वन आवर का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट अवेयरनेस अबाउट द कोरोना वायरस. जितना वायरस जो चल रहा है आजकल, सो प्लीज़ एज अ लर्नर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट कोविड-19. ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, जैसे आपको पता है कि आपके सामने पिक्चर डिपिक्ट हो रही है. दिस वायरस मेनली स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वीआ एयर ड्रॉपलेट्स और इट कैन स्प्रेड वेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और कफ. सो कोई भी आपके आसपास जिसकी खांसी, जुकाम, कुछ भी हो, तो प्लीज़ उनको प्रोवाइड करें. एक अपना पर्सनल हैंकरचीफ उनको दें, ताकि ये ड्रॉपलेट्स हवा में ना फैलें. इसके साथ साथ इनसे होता क्या है, जब ये ड्रॉपलेट्स हवा में फैलती हैं और अगर किसी सर्फेस पर आपके दिख रहे हैं, आप कहीं गिरती है, तो वेन इट कैन स्प्रेड फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसिस वेयर द वायरस सेटल्स. और अगर आप उस पर हाथ रखते हो, तो वो वायरस तुरंत आपके हाथ पे या स्किन पे आ जाता है और फिर आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है. तो प्रॉपर इसका यही है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. और उस स्टेज पर जाए ना जाए, पहले से आप लोग प्रिकॉशन रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे. या प्रियंका, आई नो यू आर प्रियंका, स्माइली, आई नो यू प्रियंका. ओके, करना क्या है आपको उसके लिए, कीप योर हैंड्स क्लीन फ्रीक्वेंटली. ठीक है, लगातार आपको हाथ अपने धोने होंगे. कब, जैसे नॉर्मल हम लोग बचपन से आज तक गुड हैबिट में सीखते आ रहे हैं कि खाना खाने से पहले, टॉयलेट के आने के बाद हम लोग अपने हैंड को वॉश करते हैं. लेकिन फ्रीक्वेंटली आपको वॉश कब करना है, जब कहीं आप कॉलेज से जा रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, तो कॉलेज बंद हो चुके हैं. लेकिन अगर आप लोग वर्किंग हैं और आप लोग अभी अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ से आने के बाद मास्क पहले पहने रहिए, और वहाँ से आने के बाद अपने हाथों को धोते रहिए. आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन ये यूज़ करते हैं, इनमें भी बहुत सारा इन्फेक्शन जर्म्स होते हैं. तो प्रॉपरली इन गैजेट्स को भी क्लीन करते रहिए, और इन गैजेट्स को यूज़ करने के बाद भी अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करें. इसके साथ जब आप कहीं बाहर जाते हैं, तो अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र लेकर रखें. लेकिन हैंड सैनिटाइज़र वही यूज़फुल है जिसमें 60% अल्कोहल हो. अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र ही आपको यूज़ करना है. कब यूज़ करना है, जब आप बाहर हो और आपके पास वाटर की इतनी व्यवस्था नहीं है कि आप जाके हाथ धो पाओ. ठीक है, और आप घर में हैं, तो सोप इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सोप से 30 सेकेंड्स अपने हाथ को प्रॉपरली क्लीन करना है. ठीक है, आफ्टर दैट एवरी कवर योर माउथ विद अ टिश्यू वाइल स्नीजिंग और कफिंग एंड अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ. ठीक है, कभी भी कुछ खांसी या छींक है, तो हमेशा अपने साथ एक टिश्यू पेपर रखें या हैंकरचीफ रखें, जैसे मैंने अभी रखा है. बट मुझे कफ स्नीज नहीं है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते नींद ना आ जाए, तो अपनी नींद को मैं छुपा लूँगी इससे. जस्ट जोकिंग. लेकिन मैंने आपको इसलिए डेमोन्स्ट्रेट किया है क्योंकि किसी को भी प्रॉब्लम हो, तो अपने हाथों को डायरेक्टली अपने स्किन से अपने आँखों को, नोज़ को टच
डायरेक्टली नहीं करना है, टेक अ प्रॉपर एक अच्छा साफ कपड़ा लेके ही आप अपने हाथ पैरों को पोछें, और स्पेशली अपने आईज़ का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये वायरस कहीं से भी आपके बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रिकॉशन रखेंगे उतना ही ज़्यादा बचे रहेंगे, और इस अवेयरनेस को अपने आसपास सब जगह ज़रूर ज़रूर बताएं। ठीक है, सीक मेडिकल असिस्टेंस इन केस यू ऑब्जर्व दीज सिम्टम्स, और कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो प्लीज़ आप मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। क्या सिम्टम्स? फीवर, कोल्ड एंड कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीरियस इंडाइजेशन प्रॉब्लम, लेकिन ये वायरस के लक्षण है। लेकिन अगर किसी को नॉर्मल भी है इसका मतलब ये नहीं कि सबको कोरोना वायरस ही हो गया। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स से किसी में दिखते हैं बहुत लंबे समय से, वो ठीक नहीं हो रहा, तो प्लीज़ अर्जेंटली मेडिकल असिस्टेंस ज़रूर लें, और आसपास के लोगों से अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके रखें कि ऐसी चीज़ें वायरस जल्दी जल्दी ज़्यादा ना फैले, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये वायरस, तो इससे हमें बचाव करना है। और जैसे हम लोग का अब वेदर चेंज हो रहा है तो गर्मी आएंगी तो वैसे भी वेदर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, अवेकनिंग तो दे रहे हैं, पर आपको घबराना नहीं है। जैसे अवेकनिंग हम लोगों ने आपको तक पहुंचाई है वैसे ही अपने आसपास के नेबर्स, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स तक बताएं। कभी भी परेशान नहीं होना है, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। और लर्निंग के लिए आपके कॉलेज स्कूल सब बंद हो गए, लेकिन जैसे कि बहुत यूनिवर्सिटी में अपने ऑनलाइन सोर्सेज के जरिए वो आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी हम लोग आपको यहाँ पे वर्चुअल क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहे हैं। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे आपकी सुविधा को देखते हुए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा लाइव क्लासेस लेंगे, आपकी स्पेशल क्लासेस मैं थोड़ी ज़्यादा लूँगी, ठीक है, इस मंथ, ताकि जो प्रॉब्लम है आप नहीं जा पा रहे, कुछ पढ़ नहीं पा रहे, तो यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी लर्निंग प्रॉपर रहेगी। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है। हेलो ज्योति, वेलकम टू अनअकैडमी। ज्योति, स्माइली, ललिता, बाबर, बेटी, अंबिका एंड पद्मजा, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और ये सभी मेरे प्लस लर्नर्स हैं जो रात के साढ़े बारह बजे तक हम लोग के साथ रहता है, क्योंकि जैसे बताया कि मेरी लाइव क्लासेस प्लस क्लासेस स्केड्यूल्ड है 25 जनवरी से। वो क्या है, कैसे हैं, क्या है उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही हैं, ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, ये सारे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू लिए जाते हैं, जिसमें कई सारी वीकली क्विजेज अभी तक मैंने करा दी, और आपके लिए एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आपके सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश की जाती है। सो इसके लिए आपके सामने ये आ गया ऑनगोइंग प्लस कोर्स जो आपको दिख रहा है, ये अनअकैडमी पे है। ये आपके सामने कुछ इस तरीके से इसकी इमेज डिपेक्ट होगी, कैसे डिपेक्ट होगी, जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और आपको वहाँ पे इस तरीके से मेरी कुछ इमेज दिखेगी। नीचे आपको एक कोर्स दिख रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन एजुकेशन, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी, जिसकी क्लासेस 25th जनवरी से चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने एनरोल नहीं कराया सो प्लीज़ डू एनरोल योरसेल्फ। आपको एनरोल कराना कैसे है, इसके लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। जब आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हो, सबसे नीचे एट द बॉटम यू हैव फाइंड आउट दिस साइन, दिस इज़ अ प्लस साइन, यहाँ पे आपको टैप करना है। जब आप यहाँ पे टैप करते हैं आप दूसरे पेज पे एक्सेस कर जाओगे, और यहाँ पे आपको इस तरह से गेट सब्सक्रिप्शन का एक ग्रीन आइकन दिखाई देगा। बस आपको इस ग्रीन आइकन पे टैप करना है, और इस तरीके से आपके साथ सामने 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सारे ये सब्सक्रिप्शन विद अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि बिल्ड एज अ वन टाइम पेमेंट एट ₹12,600 फॉर 24 मंथ, यानी कि अगर आप 24 मंथ, 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कितना पर मंथ कितना पड़ा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा, 525 पर मंथ, यानी कि ₹525 आपको पर मंथ पड़ेगा। लेकिन अप टू यू, आप जैसा देखना चाहें, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो 1 मंथ के लिए भी आप ले सकते हैं, पहले 1 मंथ नहीं था लेकिन अब 1 मंथ का भी स्टार्ट हो गया है। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, कुछ के रेट इंक्रीज हुए हैं, इसके पहले की बाकी के रेट इंक्रीज हों तो टाइमली आप इसको ले सके, लेकिन आपको पूरी अमाउंट पे नहीं करनी है, क्योंकि आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा जो आपके सामने है, दैट इज़ नवनीता लाइव, ये आपको दिख रहा है। इसको कोड को आप यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, सब्सक्रिप्शन में जब आप टाइप करते हैं जो भी आपने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का लिया है, उसके बाद आपके सामने एक रेफरल कोड का एक ऑप्शन आएगा, आप उसमें जब मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं दैट इज़ नवनीता लाइव, तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलता है आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। आपको पूरी अमाउंट नहीं देना है, आपको 10% का डिस्काउंट उसमें ज़रूर ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब जब आप मेरा ये कोड, रेफरल कोड नवनीता लाइव, इसको यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको समझ में आ गई,
तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है, जो कोचिंग नहीं जा सकते, और स्पेशली अब तो कोचिंग भी बंद है, जिम बंद है, मॉल बंद है, मार्केट प्लेस बंद है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई बंद नहीं है, हम लोग अपनी वर्चुअल क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो जिनको जिनको ये बेनिफिशियल लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अनअकैडमी की ऑफिशियल चैनल जिस पर आप इसको देख रहे हैं, अनअकैडमी NTA UGC नेट लाइव, इसको सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिल सके। और यहाँ पर ना सिर्फ मेरे कोर्सेस NTA UGC नेट की कैटेगरी में आने वाले, जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे वो पेपर वन पढ़ा रहे हो, चाहे जैसे मैं एजुकेशन पढ़ा रही हूँ, कोई फिलोसफी, कोई साइकोलॉजी, कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज, इन सब को आप एक ही इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, तो कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रीवियसली जो इस मंथ का कोर्स कंडक्ट हो चुका है सावित्री बाय फुले पर, और आज का ये कोर्स मैं फर्स्ट आपका वेस्टर्न थिंकर पर मैं ले रही हूँ, पाउलो फ्रायरे पर, ठीक है। सो दिस कोर्स क्रिएटेड बाय मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके सामने एक पिक्चर डिपिक्ट हो रही है, ये है पाउलो फ्रायरे की, एंड इनका एक कोड है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी कुछ कोड आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं और आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, चाहे आपका NTA का एग्जामिनेशन हो, कभी कभी ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछ लेते हैं, कभी आप लोग TET या CTET के एग्जामिनेशन देते हैं, या वन डे एग्जामिनेशन, या आपके PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी इन सब की थ्योरीज, इन सब के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसने क्या कहा है। आई वुड लाइक टू से टू अस एज एजुकेटर्स, पुअर आर दोज अमंग अस हु लूज देयर कैपेसिटी टू ड्रीम, to create their courage to denounce and announce. This was said by Paulo Freire. और इसी इस optimistic thought के साथ हम लोग आज का ये Western philosophy, Western thinkers का पहला chapter start करने वाले हैं। एक हम लोग का सावित्री बाई फुले को लेकर पिछले session में conduct हो चुका है, उसके साथ सारे के सारे Indian thinkers हम लोग complete कर चुके हैं, और Western thinkers से आज की इस month की second class YouTube पर start हो रही है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था Paulo Regulus Neves Freire. Paulo Regulus Neves Freire, he was a Brazilian educator and philosopher who was leading advocate of critical pedagogy. अब critical pedagogy क्या है, इसको इसमें हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज influential वर्क पेडागोजी ऑफ द oppressed, जो इनकी बुक है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, इसमें उन्होंने क्या दिया है, क्या बातें कही है, विच इज़ जनरली कंसिडर्ड वन ऑफ द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ द क्रिटिकल पेडागोजी मूवमेंट, और इसके बारे में पूरा पूरा हम अपने इस आज के सिलेबस में पढ़ेंगे। कभी आपने सोचा कि ये आपके सिलेबस में अचानक से ये सब चीज़ें क्यों रख दी, पॉलो फ्रेरे, नील नॉडिंग्स, वोलस्टोन क्राफ्ट, ये सब क्यों आ गए? जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में। जैसे वेस्टर्न थिंकर्स में हम लोग पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम, सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ा था, इन सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में, कुछ एविल चीज़ें देखी और उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े ह्यूज पैमाने पर हुआ। उस ट्रांसफॉर्मेशन का असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, और सबसे ज़्यादा असर इन ट्रांसफॉर्मेशन का हमारी एजुकेशन सिस्टम पे पड़ता है। जब एजुकेशन सिस्टम पे इन ट्रांसफॉर्मेशन का असर पड़ता है तो कई सारी चीज़ें बदलाव में आती हैं, कहाँ कैसे आपके चीज़ों में बदलाव आएगा, आपके एम्स ऑफ एजुकेशन में बदलाव आता है, आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग में बदलाव आता है, करिकुलम किस तरीके से चल रहा है, उस करिकुलम को पढ़ने समझने के तरीके में बदलाव आता है। ये सारी चीज़ें एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर आती हैं, ना सिर्फ आपकी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म करती हैं, बल्कि हमारे एजुकेशन लेने के तरीके, पढ़ाने के तरीके, एक टीचर के खुद के समझने के तरीके में, उसकी फिलॉसफी में भी ड्रास्टिक चेंज लाती है, जो कि पॉलो फ्रेरे ने भी अपने टाइम पे किया था, और एक सोशल रिफॉर्म के तौर पर भी आप देख सकते हैं। इनकी बुक का नाम ही है कि पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इसमें इन्होंने पूरी चीज़ें डिटेल में पूरी डिस्क्राइब की है, और इसमें जो एक टर्म यूज़ हुआ है क्रिटिकल पेडागॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक चीज़ें जो जो नोशंस इन्होंने यूज़ किए हैं, चाहे क्रिटिकल पेडागॉजी हो, चाहे प्रॉब्लम पोजिंग क्वेश्चंस को लेकर हो, ठीक है, इन सब को देखेंगे। स्पेशली इनका बैंकिंग कॉन्सेप्ट, जिसको उन्होंने बताया था कि आज की शिक्षा किस तरीके से बैंकिंग कॉन्सेप्ट की तरह चल रही है, और जिसको चेंज करके, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल चीज़ों को चेंज करके किस तरीके से हमें नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट अपनी क्लास में सेटअप करना है। जब हम लोग पेडागॉजी की बात करते हैं तो पेडागॉजी का मतलब क्या होता है? अब जैसे हम लोग थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब उन्होंने इतने सारे टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जान सके कि वो टेक्निकल टर्म का मीन क्या होता है। वैशाली राज ज्वाइनिंग सेशन, हेलो वैशु, वेलकम टू अनअकैडमी, इट्स ओके वैशु, लेट नहीं हो, सेशन स्टार्ट जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो पेडागॉजी मीन्स क्या होता है? पेडागॉजी मीन्स मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड एज द अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच है टू टीचिंग, जो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, टू टीचिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। अगर इसको और देखा जाए तो इट रिफर्स टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग एंड हाउ दीज प्रोसेसेस इन्फ्लुएंसेस एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। तभी मैंने कहा कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा
एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें फोकस होती हैं, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। तो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालती है, ये पूरा आपके सामने लिख कर आए कि जब हम एक अप्रोच की पैडागॉजी की अगर बात करते हैं, इसको एक अप्रोच के तौर पर हम समझते हैं, टीचिंग के अप्रोच को लेकर, किसी थ्योरी के अप्रोच को लेकर, सोसाइटी में क्या चल रहा है, किस तरह की प्रैक्टिस अपनाई जा रही है टीचिंग लर्निंग के कॉन्सेप्ट के, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो क्या चल रहा है, किस तरीके से इनमें चेंजेस लाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें इन पे इम्पैक्ट करती है और कौन कौन लोग इनसे इम्पैक्ट होते हैं। तो इकोनॉमी की बात करें तो सोसाइटी सबसे पहले आपकी इम्पैक्ट होगी, ठीक है, इन्फ्लुएंस, क्योंकि सोसाइटी किससे बनती है, हमसे, आपसे मिलाकर वो सोसाइटी बनती है, ढेर सारी सोसाइटी को मिला के हमारी कंट्री बनती है, ठीक है ना। तो फिर सबसे पहले इनिशियल स्टेज से हर चीज़ स्टार्ट होती है, इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे पड़ेगा, हम सब पे पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा और डेवलपमेंट किसका होता है, लर्नर्स का, यानी कि आपका, हम लोग भी लर्नर हैं, हम और आप, हम सभी लोग जान के समझ के सीखते हैं, जब एक साथ मिल के कम्युनिटी मतलब कोऑर्डिनेट करके हम लोग एक दूसरे के साथ सीखते हैं तो वो सोसाइटी ज़्यादा राइज करती है, वहाँ पे ज़्यादा इनोवेशंस होते हैं क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट सेटअप होता है। जैसे जैसे मैं क्लासेस यहाँ पे लेती हूँ, यहाँ की प्लस क्लासेस देती हूँ, मैं कभी भी आप लोगों से नहीं कहती कि आपने क्वेश्चंस ना पूछो, या मैं पढ़ा लूँ तब पूछो, आप ही क्वेश्चंस बीच बीच में आते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक बार आपको रोक दिया तो कभी शायद आप बाद में हेजिटेट करें अपने क्वेश्चंस को पूछने में, वो क्वेश्चन शायद आपके अंदर रह जाए। तो कभी भी एक टीचर को पहली चीज़ तो कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, दूसरी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अपने क्लासरूम में एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट सेटअप करना चाहिए। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट सेटअप करने का मतलब पॉलो फेरो के भी अकॉर्डिंग, पॉलो फ्रेरे के भी अकॉर्डिंग यही था कि आप दूसरे के, स्पेशली जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अपने व्यू पॉइंट रखने की इजाज़त दी जाए, टीचर एज अ मेडिएटर वर्क करे, वो सिर्फ आइडियाज़ को क्रिएट करे, वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ बच्चे अपने विचार को रख सके, उनके विचारों को सुने, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को अप्लाई करने की कोशिश की जाए। तो इसीलिए ये ब्राज़ील एजुकेटर थे, इनके जो थ्योरी थी वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी पैडागॉजिकल थ्योरी थी, जैसे आपको बातों से लग रहा था कि बहुत ही अलग डिफाइन तरीके से उन्हें बताया था बहुत पहले, जो कि आज के समय में भी उतने ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि आज के समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए आपके सिलेबस में भी रखेगा, क्योंकि जो चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें जो रिफॉर्म्स हो चुके हैं और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में भी उन सबका यूज़ अत्यधिक हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ें जहाँ से निकल के आई, जिन सोर्सेज से निकल के आई, उन सोर्सेज के बारे में हमें पता हो, एज एजुकेशन स्टूडेंट आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपकी नेट के सिलेबस में भी रखी गई है। तो ये रेवोल्यूशनरी पेडागॉजिकल थ्योरी है, ये इन्फ्लुएंस करती है आपके एजुकेशनल और सोशल मूवमेंट्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो इनकी पाउल्स, रेगुलस, नीव्स, फ्रेरे ने जो अपनी सोच अपनी थ्योरी में दी, जो बातें उन्होंने लिखी, क्योंकि बातें उन्होंने कहाँ से लिखी, जो सोसाइटी में उस समय हो रहा था, जो की बुराइयाँ व्याप्त थीं, उनको देखकर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, उन पे असर किया और उन चीज़ों ने शिक्षा को लेकर, समाज की किस तरफ उसका दायरा जा रहा है, उस सोच को लेकर बहुत ज़्यादा इनका ध्यान केंद्रित करा और इस तरीके से इनकी फोकस्ड सोच ने दुनिया को रास्ता दिखाया और पूरी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस ही लेकर आए। And his philosophical writing influenced academic disciplines that includes theology, sociology, anthropology, applied linguistics, pedagogy and cultural studies. जिसमें एक वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा आपके सामने, cultural circle. क्या हो रहा है, जिसकी पेन अच्छा चल नहीं रहा आज, सॉरी मैं ऐसे लिख देती हूँ, cultural circle के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। okay. तो ये जिस थी जो मैंने आपके सामने ये जिस थी जो मैंने आपके सामने बताई कि पेडागॉजी क्या होता है, पॉल रिगुलस फ्रायरे ने कैसे किस तरीके से चेंजेस लाए, उनके बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप इंट्रोडक्शन अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा अगर लिखेंगे तो एक घंटे की क्लास काफ़ी छोटी पड़ जाएगी, बट उन्होंने बहुत बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी वर्क करा है। यहाँ पे वही चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, प्लस वन आवर की क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम जितना ज़्यादा कवर कर पाए। So he was born in 9th September 1921 in Brazil, lives in an impoverished community in Recife, Brazil, attended Recife University and he taught Portuguese in secondary schools and become active in adult education and adult education and works training. Ek second, ye thoda sa. He became the first director of Department of Cultural Extension of Recife University. अब यहाँ पे इनकी वर्क से ना आप आइडिया लगा सकते हैं, ये जो इन्होंने वर्क किए एडल्ट एजुकेशन पे,
कल्चर एक्सटेंशन के फर्स्ट ये डायरेक्टर बने थे रिसाप यूनिवर्सिटी ब्राज़ील में. ये सारे जो वर्ड है ना, यही सारे वर्ड इन्होंने अपनी फिलॉसफी में भी यूज़ किए हैं. ठीक है, यही सारे वर्ड्स को भी आप लोग आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे. और इनका इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी वर्क था कि कहीं ना कहीं इनको एक देश से दूसरे देश भागना पड़ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट खिलाफ हो जाती थी. इनको लगता था कि ये ऐसी चीज़ें करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो कई बार इनको जेल जाना पड़ा. 1964 ही जेल्ड बाय न्यू गवर्नमेंट फॉर हिज एजुकेशनल वर्क विद रूरल पीपल फोर्स इंटू पॉलिटिकल एग्जाइल. And 1969 he taught at Harvard University and traveled internationally until he was invited back to Brazil in 1980 and he was died in May 2nd 1997. तो ये काफ़ी ज़्यादा, अभी सिर्फ छोटा सा मैंने एक स्लाइड में आपको यहाँ पे एक आइडिया आपको दिया है, लेकिन इनका वर्क, इनकी चीज़ें सच है बहुत रेवोल्यूशनरी है, स्पेशली आपके ना सिर्फ सोसाइटी को लेकर बल्कि एजुकेशन को लेकर भी उन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ें बताई थी. तो यहाँ पे भी आपके सामने आ गया था कि उन्होंने अपनी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें देखी थी. और जिस समय इनकी फैमिली, जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत बड़े फैमिली से नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से ही थे. और उस समय बहुत डिप्रेशन की स्थिति एक सोसाइटी में उस समय आ गई थी ब्राज़ील में. तो उनकी फैमिली लेस एक्सपेंसिव सिटी, यानी कि जहाँ पे खर्चा ना हो, वहाँ पे ये लोग चले गए थे. और इनके फादर की डेथ हो गई थी वहाँ पे. और उसके बाद इन्होंने उसके बाद केवल फोर्थ क्लास तक ही ये पढ़ पाए थे. फिर धीरे धीरे आसपास के माहौल में रहते रहते इन्होंने देखा चीज़ें कैसे बिगड़ रही हैं. पुअर पीपल जितने हैं रूरल एरिया में हैं, या जिनके पास उतने अधिकार नहीं है, उनके पास अपने अधिकारों के लेकर कोई अवेकनिंग नहीं है, तो किस तरीके से वो रिप्रेस्ड किए जा रहे हैं. ऑप्रेस्ड का मतलब ही होता है पीड़ित, अत्याचार, यानी कि हैरेसमेंट, विक्टिमाइजेशन, ये वर्ड यूज़ होता है ऑप्रेस्ड में. तो ऑप्रेस्ड मीन्स ये विक्टिमाइजेशन, ये हैरेसमेंट सोसाइटी में लोगों के साथ हो रहे थे. और जिन लोगों के साथ हो रहे थे उनको अवेकनिंग तक नहीं थी कि उनके साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. तो इन सब चीज़ों ने इनके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए, इन्फ्लुएंस हुआ, और इन सब चीज़ों ने शेप किया इनको. और इस तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर इनकी बातों में भी आया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने सोसाइटी में दिया. और इसीलिए जब कोई नई चीज़ होती है तो बैरियर्स तो आते ही हैं. तो इसीलिए एक गवर्नमेंट इनको कभी भी कोई एक्सेप्ट करती नहीं थी, तो ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते रहते थे. और इतनी ज़्यादा इन्होंने एजुकेशन में वर्क किया, स्पेशली पुअर रूरल एरियाज़ में रूरल पीपल के लिए इनको गवर्नमेंट ने जेल में भी भेजा था. तो देखा, जैसे आपको आपकी स्लाइड में देखा भी था आपने, कि किस तरह से इन्होंने इतना सारा वर्क किया पिछली स्लाइड में, कि गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ हो गई थी, इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को उस तरह की देन गवर्नमेंट समझ नहीं पाई थी. और इन्होंने, पाउलो फ्रेरे ने कहा भी है कि इन्होंने स्टेटेड दैट पॉवर्टी एंड हंगर सेवियरली अटैक्टेड अफेक्टेड हिज एबिलिटी टू लर्न एंड दिस इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन टू डेडिकेट हिज लाइफ टू इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पुअर. ये जो रीज़न है, ये बहुत बड़ी बात है जिन्होंने अपने इसमें कही थी. हेलो वासुदेव, ओके फिरदौस, वैशाली, ओके सॉरी मैंने आप लोग अभी देखा नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन द सेशन. हेलो फिरदौस, हेलो वैशाली एंड वासुदेव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन द सेशन. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो इन्होंने जितने भी एक्सपीरियंस अपनी सोसाइटी में इन्होंने देखे थे, इन्होंने इनकी चीज़ों को शेपअप किया और उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी, स्पेशली जो वीकर सेक्शन है जहाँ पे शिक्षा जा नहीं पा रही थी उन तक शिक्षा पहुँचाना. क्या रीज़न था कि वीकर सेक्शन तक शिक्षा पहुँचाया था? उसका रीज़न यही था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अवेकनिंग आ सके अपने अधिकारों के प्रति, अपनी लाइफ को वो इम्प्रूव कर सके. इसलिए इन्होंने इन सब चीज़ों ने, जो सोसाइटी में जो एवल चीज़ें व्याप थी, इन सब चीज़ों ने इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. एंड दिस इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू डेडिकेट हिज लाइफ टू इम्प्रूविंग द लाइव ऑफ द पुअर. और उन्होंने जीवन भर उनके लिए काम करते रहे. इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक वर्क हैं जिन्होंने करा है, जैसे एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, एग्जाम में पूछा जाता है. और भी बुक्स होंगी, आप उन सबको भी नोट डाउन कर लीजिएगा. जैसे एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम है, पेडागॉजी ऑफ अप्रेस, सबसे ज़्यादा आप उसके बारे में जानते ही हैं. ठीक है, तीसरा है एजुकेशन, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस. अब ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में. पेडागॉजी ऑफ होप, पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, ये कुछ सिक्स इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी बुक को लेकर. अब पेडागॉजी ऑफ अप्रेस क्या है, बहुत ज़्यादा हम सब लोग इससे फैमिलियर हो चुके हैं. जिससे फैमिलियर नहीं है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस से लेकर पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक और राइटर, उन्होंने भी इस पर बुक लिखी है. पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पेडागॉजी ऑफ होप, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के वर्क भी इन्होंने करा है. तो इनसे हम लोग उतने फैमिलियर नहीं है, तो आपको ये सारे वर्क उनके पता होना चाहिए. अगर आपको और भी मिलते हैं तो अपने क्वेश्चंस में, अपने आंसर्स अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में इसको और ऐड करते जाइएगा, अपने नोट्स को और ज़्यादा एनरिच बनाते जाइएगा. ठीक है, ओके वैशाली, यू आर बैशू, ओके ओके वैशाली, ठीक है.
थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइन दिस सेशन. ओके फिरदौस, आपकी फर्स्ट क्लास है यहाँ पे, तो आई होप आपकी ये फर्स्ट क्लास फ्रूटफुल रहे और इसके साथ साथ यहाँ पे सारे लर्नर्स प्लस के भी जुड़े हुए हैं, तो जिन जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप आपस में पूछ सकते हैं यहाँ पे, और मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ. इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने प्लस कोर्स में इनरोल नहीं कराया, सो डू इनरोल योर सेल्फ इन प्लस कोर्स जो 25 जनवरी से चल रहा है. क्वेश्चन बाबा पूछा था कि जब हम लोग बाद में, जैसे कि क्लासेस खत्म होने वाली हैं, सभी खत्म होने वाली हैं क्योंकि 25 जनवरी से चल रही है, पूरी जनवरी चली, फेब चली, पूरी मार्च चल रही, इसी में ही ग्यूटिव सेशंस कंडक्ट हुए, इसी में स्पेशल क्लासेस कंडक्ट हुई, तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेट में लेते हैं इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा. आपकी जो पुराने हम लोग ने क्लासेस ली हुई हैं उन सभी क्लासेस की ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, और PDF के साथ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पुरानी क्लासेस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. अब ये चीज़ क्लियर हो गई. अच्छा, अब हम बढ़ते हैं पॉलो फ्रेरे के कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को लेकर. इन्होंने क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेटर एंड लर्नर, जैसे हम लोग बैठे हैं एजुकेटर, आप हैं लर्नर, हम दोनों को ही इक्वल पार्टिसिपेंट करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, करना चाहिए कि नहीं. क्या हम लोग एक पार्टिसिपेंट कर रहे हैं कि नहीं, क्या मैं सिर्फ पढ़ाती जा रही हूँ, ये मैं देख भी रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे भी ध्यान देना कि आप क्या पूछ रहे हैं, आपको मैंने पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कहीं से भी मुझे आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझना है. यही चीज़ पॉलो फ्रेरे भी कहते थे कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लर्नर को एज अ ऑब्जेक्ट हमें कभी भी ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे लिखा हो कि लर्नर्स आर द सब्जेक्ट, यू आर नॉट अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट समझेंगे तो वो पैसिव लर्नर हो जाएंगे और हम जो उन्हें देना चाहते हैं वो उनके दिमाग में डिपॉजिट होता जाएगा. यही इन्होंने बैंकिंग सिस्टम में भी बताया, बैंकिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी इसी को भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है. सब्जेक्ट ऑफ देयर डेस्टिनी, सब्जेक्ट ऑफ देयर डेस्टिनी मीन्स क्यों, क्योंकि आप लोग एज अ सब्जेक्ट हैं, आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को हम लोग समझेंगे, जानेंगे और उसको इंकल्केट करते हैं अपनी टीचिंग में, अपने मेथड्स में, अपने करिकुलम में, अपने एम्स में. तो उससे क्या होता है, आपकी टीचिंग के, आपके इनोवेटिव आइडियाज़ जो मिलते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव सोच आपकी आती है, जो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आपकी आती है, उसके थ्रू हम बहुत सारे नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं, रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं चेंजेस अपने एजुकेशन में भी ला सकते हैं, टेक्निक्स में भी ला सकते हैं, अपने सोच समझने की क्षमता में ला सकते हैं, और इस तरीके से एक कह सकते हैं कि हर चीज़ का स्कोप वाइडन हो जाता है. तो सब्जेक्ट ऑफ देयर डेस्टिनी का मतलब सब्जेक्ट आप ही लोग हैं, क्योंकि लर्नर्स को यहाँ पे सब्जेक्ट माना गया है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है. सब्जेक्ट इसलिए बोला क्योंकि आपके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं और हर बच्चे के अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं. टीचर को पेशेंटली सबके व्यू पॉइंट्स को सुनना चाहिए और अप्रोप्रिएट ढंग से क्या ठीक हो सकता है, एज अ मीडिएटर वो वर्क करता है, इन सारी सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करता है, वो कभी भी स्पून फीडिंग नहीं कराता और ना ही बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट मतलब कह सकते हो कि इंटरफेरेंस करता है. आप अपने आइडियाज़ को फील फ्री होके देना है, बिल्कुल भी फियर लेस इन्वायरमेंट रहना चाहिए, कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपरली टीचर और लर्नर के बीच में, इसलिए उन्होंने यहाँ कम्युनिकेशन के लिए वर्ड यूज़ किया है डायलॉग, कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन टीचर एंड लर्नर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फ्रेरे, नो वन कैन टीच एनीवन एल्स, नो वन कैन अर्न अलोन, पीपल लर्न टुगेदर एक्टिंग इन एंड ऑन देयर वर्ड. ये बात सच है कि नहीं, हम किसी को सिखा नहीं सकते, हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, कोई अकेले कमाता नहीं है, सब लोग, हम सब, चाहे हम लोग यहाँ एजुकेटर के तौर पे ही क्यों ना बैठे हो, बट एक्चुअली वी आर ऑल्सो अ लर्नर. हम सब लोग मिलके सीखते हैं, समझते हैं, कोऑर्डिनेट होके वर्क करते हैं, उसी तरीके से दुनिया चलती, इस तरीके से रिस्पॉन्सेज आते हैं. तो ये कहना कि मैंने खुद सारा सीखा, मैंने खुद सीख के आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी हम लोग सीखते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक उसमें दूसरों की हेल्प इन्वॉल्व होती है, चाहे सामने से हो या डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. ये चीज़ पॉलो फ्रेरे हम लोग को बताना चाह रहे थे. तो पॉलो फ्रेरे के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ अ कल्चरल टूल है फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन. ये वर्ड उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल्चरल सर्किल क्या है इसको भी हम लोग इसी स्लाइड में देखेंगे आगे चल के. अकॉर्डिंग टू पाउलो फ्रेरे, एजुकेशन इज अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन. इट मस्ट गिव लर्नर द टूल्स टू बी क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन रियलिटी. क्यों कल्चरल टूल बोला गया फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, इसमें बताया था ना, जहाँ पे विक्टिमाइजेशन या हैरेसमेंट वर्ड यूज़ होता है, अत्याचार अनाचार के खिलाफ एक टूल का काम करता है. क्यों कल्चरल टूल क्यों बोला, क्योंकि समाज में जब स्कूल बार बार बोला था मिनीचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, हर तरह की कल्चर के बच्चे और स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति के अपने अपने इनोवेटिव डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं. टीचर जब उन सबको सीखता है, समझता है और बच्चे कम्युनिकेट करते हैं डायलॉग फॉर्म के थ्रू, दोनों के बीच में, बच्चों में, आपस में भी और टीचर के साथ मिलके कन्वर्सेशन होता है, बहुत सारे नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स निकल कर आते हैं. तो ये सारे थॉट्स और आइडियाज़ हम सब के अंदर एक अवेकनिंग लाते हैं, यही इसको ही कल्चरल टूल का कहा गया है. और इसके थ्रू इट मस्ट गिव्स लर्नर द टूल्स टू बी क्रिएटर ऑफ देयर ओन रियलिटी.
क्योंकि आप इनके थ्रू अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक यूनिक रियलिटी बनती है, नए नए विचार हमारे सामने आते हैं और यही सारी चीज़ें एक देश को आगे बढ़ाने में हेल्प आउट करती हैं। अगर हम उसी को सप्रेस कर दें कि नहीं तुम्हारी बात सही नहीं है, गलत है, रुक जाओ, तो बच्चा कभी भी कोशिश नहीं करेगा अपनी बात को रखने के लिए या बोलने के लिए। और नए नए आइडियाज़ अगर वो जनरेट हो सकते हैं, ऐसा प्रॉपर उसको समय मिले या ऐसा सिचुएशन मिले कि उसके आइडिया से कोई नई चीज़ इनोवेट हो सकती है, फिर वो इनोवेट नहीं हो पाती। इसीलिए एजुकेशन में लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो लिबरल, स्पेशली लिबरल में भी डेमोक्रेटिक सेटअप एजुकेशन में ज़रूर होना चाहिए। अमन पाल, ज्योति मिश्रा ज्वाइन सेशन, हेलो अमन, हेलो ज्योति, वेलकम टू अनअकैडमी। तो एजुकेशन इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल एक्ट। व्हाई? इट कैन नॉट बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, इट कैन आइदर बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन और लिबरेशन। इसको पॉलिटिकल एक्ट क्यों बोला? क्योंकि पॉलिटिकली न्यूट्रल एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे देखे होंगे एजुकेशनिस्ट भी हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं। तो पॉलिटिक्स का मतलब कुछ गलत नहीं होता, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राजनीति। राजनीति मीन्स राज और नीति को स्प्लिट करेंगे तो नीति मतलब होता है एथिकली तरीके से राज करना, राज मतलब शासन करना। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं लेना है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। तो राजनीति मतलब नैतिकता के साथ, धर्म के साथ, न्याय के साथ आपको देश चलाना है, वो होती है राजनीति। यानी कि जब पॉलिटिकली पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स की बात होती है तो उसमें क्या वर्ड यूज़ होता है? सेल्फलेसनेस। ठीक है, तो ये सेल्फलेसनेस की जहाँ बात होती है वहाँ पे हमारी एजुकेशन अपने आप इंक्लूड रहती है। इसीलिए एजुकेशन को कभी भी पॉलिटिकली न्यूट्रली हम उसको अलग कर नहीं सकते, इससे कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिसीज जो बनती है हमारी, वो पॉलिसीज का इम्पैक्ट भी हमारे एजुकेशन में पड़ता है। इसीलिए आपके यूनिट 2 में दिया हुआ है ना, पॉलिसीज क्या बनती है, कैसे बनती है, उसका एजुकेशन में कैसे इम्पैक्ट होता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन पेपर में, आपकी एनटीए के सिलेबस में सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑल्सो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज अ कम्युनियन। कम्युनियन मीन्स क्या होता है? स्टेट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। जैसे यहाँ पे आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछते हैं, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये क्या है? एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन अ डायलॉग कैरेक्टराइज बाय रिफ्लेक्टिव रेसिप्रोकल सोशल रेलिवेंट एक्सचेंज रेदर दैन द यूनिलेटरल एक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल एडेंट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द अदर। यहाँ पे जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं एथिकली एक दूसरे से मिलके अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। आपको कुछ पता होता है तो हम लोग की प्लस क्लास में लर्नर्स भी अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो उसके साथ सबको बेनिफिट होता है। तो कभी भी एजुकेशन वन वे नहीं चलती है, टू वे चलती है, यानी कि दोनों लोगों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन जो टीचर और एजुकेटर के बीच, सॉरी एजुकेटर और लर्नर के बीच में होता है, उसको पॉलो फ्रेंड ने डायलॉग वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, सो लर्निंग बिगिंस विद एक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर नॉलेज इज प्रेजेंटेड टू लर्नर देन शेप्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन। है कि नहीं? अगर मैं आपके सामने चाहूँ, मैं बस रिपीट बोलते जाऊँ स्लाइड चेंज, बोलते जाऊँ स्लाइड चेंज, क्या समझ में आएगा आपको? मेरा तो पर्पस ये है कि जो मैंने यहाँ लिखा है आपके माइंड में स्कैन हो जाए कि हाँ ये चीज़ है, एक थॉट प्रोसेस के फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाए। ये लिखा हुआ याद करने से अच्छा है कि जो लिखा हुआ है वो कहना क्या चाहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट हो जाए। तो जो मैं डिजायर बिहेवियर आपके अंदर शेप्ड करना चाहती हूँ वो शेप्ड हो जाए। किसके थ्रू? मैं आपको समझा रही हूँ, आपसे मैं पूछ रही हूँ, डिस्कशन हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं डायलॉग फॉर्म है, इसी को ही टीचिंग में, एजुकेशन में इंकल्केट करने की बात कह रहे हैं पॉलो फेरे, जो कि उस समय की सोसाइटी में ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, यस, क्या होगा? ओके, इम्तियाज, एनीथिंग मोर अबाउट एजुकेशन, एनीथिंग मोर अबाउट एजुकेशन। ओके, वैशाली ने आंसर दे दिया है, ज्वाइन अन अकेडमी, देयर यू कैन गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ओके, सो एम्स ऑफ एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, ये सारे वही सारे एम्स हैं जो हर थिंकर्स ने दिए हैं, वही इन्होंने भी दिए हैं, बस इनके थोड़े से और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं। और इस इंपॉर्टेंट है, इन सब में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का जो वर्ड यूज़ किया ये आपके सामने, इसीलिए एक अलग स्लाइड है बैंकिंग सिस्टम को लिख कर भी हम लोग अभी बात करेंगे। बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ थे, बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम की बात की तो मैंने, बैंक में क्या होता है, रुपयों का लेन देन ना, हम लोग डिपॉजिट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मनी निकाल लेते हैं। सिमिलरली ये क्या कह रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम की तरह टीचर बच्चों के माइंड में डिपॉजिट कर देता है नॉलेज, फील्ड कर देता है, और टीचर और बच्चे को उसमें ऑब्जेक्ट मानता है, और बच्चे ऑब्जेक्ट की तरह सब चीज़ों को याद कर लेता है।
भले उसका मन हो या ना हो, उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी हो या ना हो, तो बैंकिंग सिस्टम की तरह हमारी टीचिंग नहीं होनी चाहिए। बैंकिंग सिस्टम डिनोट करता है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एजुकेशन की ओर जो समय था, अब ये सब नहीं चलेगा। अब क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, लिबरल आउटलुक होना चाहिए, जहाँ पे स्पेशली बच्चों को ऑब्जेक्ट ना समझ के सब्जेक्ट समझना चाहिए, ताकि वो अपने खुद जो आइडियाज़ है उसको जनरेट कर सकें, अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकें। सो एजुकेशनल प्रैक्टिस इज़ नॉट अ एक्सटेंशन बट अ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स म्यूचुअल डायलॉग, जैसे हमारे आपके बीच में चला ना म्यूचुअल डायलॉग, वेयर एक्सटेंशन इन्वॉल्व्स ट्रांसप्लांटिंग नॉलेज। ठीक है, तो एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में जो वर्ड यूज़ किया इन्होंने, डायलॉग इसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, डायलॉग मीन्स क्या, आपके हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो डायलॉग होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप मेरी बात को समझ सकें और मैं आपकी बातों को समझ सकूँ। ठीक है, सो वेयर एज एक्सटेंशन इन्वॉल्व ट्रांसप्लांटिंग नॉलेज। ठीक है, तो एजुकेशन प्रैक्टिस इज नॉट एन एक्सटेंशन बट अ कम्युनिकेशन, ये बात है। क्योंकि एक्सटेंशन की बात करते हैं, एक्सटेंशन में क्या होता है, हम कोई चीज़ बाहर बढ़ाते हैं, तो ये ट्रांसप्लांटिंग नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाना और आगे तक देना, पर सामने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ उसके माइंड में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो डायलॉग फॉर्म के थ्रू हम आपसे, इसलिए आपसे लास्ट से फीडबैक क्यों मांगते हैं, कि जो जो मैंने पढ़ा है आपको समझ में आ रहा कि नहीं, क्या हमारी टीजी में कुछ कमी है, कि MCQs के थ्रू ही मैं सारे सेशंस को रखती हूँ, तो उसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है। तो फीडबैक इसी से मिलता है, तब मिलता है जब मैं आपसे मांगूंगी, आपके और मेरे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसीलिए टीचिंग टूल पे हम आएंगे, सबसे पहले टीचिंग टूल में इसलिए डायलॉग को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, इसे उसको एज अ पैडागॉजिकल टूल कहा जाता है। पैडागॉजी क्या होता है, मैंने इसको सेपरेट सबसे पहले स्लाइड में बताया है, तो आप इसको जब ये ओवर हो जाएगा सेशन, तो उसमें आप उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, ऑल राइट, सो डायलॉग एज अ पैडागॉजिकल टूल क्यों बोला गया, डायलॉग क्यों, डायलॉग इज द प्रिंसिपल टूल ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग मेथड। इसमें PPE हम लोग बोलते हैं, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन के नाम से यहाँ पे लिया गया है, इसको भी सेपरेट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो डायलॉग जो है इनका प्रिंसिपल टूल है प्रॉब्लम पोजिंग मेथड का, क्योंकि डायलॉग के थ्रू हम एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, पैसिव लर्नर ना बन के एक्टिव लर्नर बनते हैं। तो क्या होता है, ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी है विच इन्वॉल्विंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट वेयर टीचर एंड स्टूडेंट, यानी हम सब लोग मिल के एक साथ अच्छे से पढ़ते हैं, सीखते हैं। ऐसा नहीं कि जो टीचर बन जाता है वो कभी सीखना बंद कर देता है, अगर टीचर ने सीखना बंद कर दिया नॉलेज वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग कंटिन्यूअस चलती है टिल डेथ। तो कोऑपरेटिव एक्टिविटी डायलॉग फॉर्म में होती है, कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को, एक दूसरे के आइडियाज़ को, थॉट्स को शेयर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, कुछ नई चीज़ें इनोवेट करते हैं। सो दिस डायलॉग या कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स को जो भी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो टीचर से शेयर करता है, अपने क्लास रूम में अपने फेलोज के साथ शेयर करता है। सो डायलॉग एनकाउंटर बिटवीन मैन मेडिएटेड बाय द वर्ड इन ऑर्डर टू चेंज द वर्ड। ये बात सच है कि नहीं, डायलॉग इज एनकाउंटर बिटवीन मैन, क्या डायलॉग एनकाउंटर बिटवीन द लर्नर एंड एजुकेटर्स, और इसके थ्रू आप क्या सीखते हैं, दुनिया को जानते समझते हैं, ताकि दुनिया में जो चल रहा है अगर आपको लगता है कि उसमें चेंज करने ज़रूरत है, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी पैदा हो जाए कि आपके अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस रिफॉर्मेशन को लाने की हिम्मत आ सके। तो ये सारे डायलॉग फॉर्म के थ्रू, यानी कि जब एक टीचर आपके अंदर वो चीज़ें भरता है इन द सेंस, जब आपको वो चीज़ें समझाता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है, और वो तभी होगा जब हम क्लास में स्टूडेंट को बोलने का मौका दें। इसलिए यहाँ पे वर्ड भी यूज़ होता है प्रैक्सिस, प्रैक्सिस वर्ड उन्होंने यूज़ किया। प्रैक्सिस मीन्स क्या है, प्रैक्सिस एज अ सिंथेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, दैट इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द लर्निंग प्रोसेस। सो प्रैक्सिस मीन्स क्या होता है, प्रैक्सिस मीन्स यूज ऑफ अ थ्योरी इन अ प्रैक्टिकल वे। प्रैक्सिस मतलब होता है, अगर आप देखोगे इसका मतलब होता है अप्लाई करना, ठीक है, प्रयोग करना, प्रयोग के लिए आप एक्सपेरिमेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट हम किस चीज़ को करेंगे, जो भी थ्योरी और प्रैक्टिस अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, हमने आपको पढ़ा दिया फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन से बताया। अब अगर आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट ना कर पाए तो उसका कोई यूज़ नहीं है। यही चीज़ प्रैक्सिस कहती है, कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं अपनी टीचिंग लर्निंग में, चाहे वो थ्योरी या प्रैक्टिकल फॉर्म में हो, वी आर एबल टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर फिनोमेना। सो प्रैक्सिस मीन्स द यूज़ ऑफ थ्योरी इन अ प्रैक्टिकल वे, बस इतना सा ही मतलब है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसको और भी इसके बारे में पूरा पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो प्रैक्सिस क्या है, प्रैक्सिस मीन्स क्या है, जैसे बताया था, इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, प्रोसेस को लेकर, प्रोसेस क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं थ्योरी और प्रैक्टिस को लेकर। सो प्रैक्टिस, प्रैक्सिस इज द प्रोसेस बाय विच थ्योरी, कोई भी थ्योरी आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट की हो, कोई लेसन्स आप पढ़ा रहे हो, कोई स्किल्स आप बच्चों में इंटैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू बच्चों को रियलाइज़ करना, सिखाना, वो अप्लाई कर सके।
तो ये एक प्रोसेस के फॉर्म में होता है जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में होता है. सो प्रैक्सिस मे ऑल्सो रिफर्स टू द एक्ट ऑफ इंगेजिंग, एक्ट ऑफ अप्लाइंग, एक्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग, रियलाइजिंग और प्रैक्टिसाइजिंग द आइडियाज़. अब समझ में आ रहा है क्या मतलब होता है इसका, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जो भी चीज़ें हमारी पढ़ाई जा रही है थ्योरी के फॉर्म में, लेसन के फॉर्म में, स्किल्स के फॉर्म में, जो जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अच्छे चेंजेस आए, एक समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और कुछ समाज को नया दे सके. जब नया आप तभी देख सकेंगे जब आप कुछ नया रेगुलरली सीखेंगे. तो प्रैक्सिस क्या कहता है कि जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, हम उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ऑल्सो हम उसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं. जितना ज़्यादा आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे. इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड, ये सब क्यों रखे गए हैं, ताकि जो आपने बुक में पढ़ा है आप उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें. इसीलिए पॉलो फ्रेरे की इस थ्योरी में रियल लाइफ सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है. रियल लाइफ सिचुएशन से ही सारे प्रॉब्लम्स को उठाना है और वो बच्चों के सामने टीचर का काम क्या होगा कि उन सारे आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना और बच्चे अपने प्रॉब्लम के थ्रू, बच्चे उस प्रॉब्लम के थ्रू अपना अपना दिमाग लगाते हुए अपने हिसाब से यूनिक यूनिक डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देंगे. तो यही सारी चीज़ें जब बच्चों की इंगेजिंग होती है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर, तब वो कुछ उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, वो चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से उसको सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं. यही आपकी प्रैक्सिस में कहलाती है. तो एंशियंट ग्रीक में ये द वर्ड प्रैक्सिस रिफर किससे था, ये वर्ड रिफर्स टू एक्टिविटी इंगेज इन बाय फ्री पीपल. सो ये रिकरेंट टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी और इसको बहुत सारे लोगों ने, ना सिर्फ पॉलो फ्रेरे ने इसको यूज़ किया बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसको अपनी राइटिंग्स में यूज़ किया है, लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, फ्रांसिस बेकन, इमैनुअल कैंट, सो ऑन, किरकार्ड, कार्ल मार्क्स, मार्टिन हिडेगा एंड पॉलो फ्रेरे, इनको तो हम देख ही रहे. तो ऐसा नहीं कि प्रैक्सिस सिर्फ आपकी पॉलो फ्रेरे में ही इन्होंने ही यूज़ किया, ये वर्ड बहुत सारी जगहों पर आया है. सो लेकिन अगर इसकी मीनिंग की बात की, इट हैज़ मीनिंग इन द पॉलिटिकल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल एंड मेडिकल रियलिटीज, इन सब में इन सब का यूज़ है. प्रैक्सिस मीन्स कि जो भी आइडियाज़, जो भी लेसन, जो भी स्किल्स हमने सिखाई है उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है एक्सरसाइजिंग, रियलाइजिंग और प्रैक्टिसिंग दैट पर्टिकुलर थॉट्स और आइडियाज़. सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके. तो एजुकेशन के तौर पर अगर देखें तो पॉलो फ्रेरे ने डिफाइंस किया प्रैक्सिस को उनकी बुक में पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड में. क्या इन्होंने बोला है ये टर्म अगर एग्जाम में आया तो एग्जैक्टली ये पूरे माइंड में रखिएगा कि इट रिफर्स टू रिफ्लेक्शन एंड एक्शन डायरेक्टेड एट द स्ट्रक्चर्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में वहाँ पे क्या लिखा था, ब्रैकेट में वहाँ पे लिखा था मैंने इसको एज अ प्रोसेस. यच पेन क्यों नहीं सही से चल रहा, एज अ पी में लिख देती हूँ शॉर्ट में, एज अ प्रोसेस वहाँ पे इसको मैंने लिखा था. ठीक है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, थ्योरीज समझते हैं, जो भी स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को या लेसन सिखाते हैं, वो एक प्रोसेस में चलता है. और फिर जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, उसको अप्लाई करने लायक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने सब चीज़ों को सीखा होता है, हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर चीज़ों को सीखा होता है, जाना होता है, समझा होता है, तो हम एबल होते हैं कि सोसाइटी में कोई चीज़ दिख रही है जिसको चेंज करना ज़रूरी है, तो हम इतनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी हो जाती है कि उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं. सो थ्रू प्रैक्सिस क्यों बोला गया, इन्होंने प्रैक्सिस पर इंपॉर्टेंट क्यों इतना ज़्यादा एम्फसाइज क्यों किया, क्योंकि थ्रू प्रैक्सिस ऑप्रेस्ड पीपल कैन एक्वायर अ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ देयर ओन कंडीशन एंड विद टीचर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टीचर स्ट्रगल फॉर लिबरेशन. अब समझ में आए क्यों इतना एम्फसाइज किया गया, जो मैं आपको बार बता रही थी कि हम जब चीज़ों को सीख लेते हैं, हम चीज़ों को अप्लाई करना जान लेते हैं, तो हम सबसे पहली चीज़ हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है. जब डर खत्म हो जाता है तो कोई भी चीज़ गलत दिखती है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लायक बन जाते हैं, इतनी कैपेबिलिटी इन्हेंस हो जाती है. और जब ये अवेकनिंग आती है तभी एक समाज में जो भी बुराइयां चल रही है उसको दूर किया जा सकता है. तो ये चीज़ ये खुद महसूस करी थी पॉलो फ्रेरे ने अपने अंदर, और ये चीज़ आ सकती है सिर्फ एजुकेशन के थ्रू. इसीलिए एजुकेशन को इन्होंने एज अ पावरफुल कल्चरल टूल कहा है, जिसके थ्रू हम बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर ये अवेकनिंग ला सकते हैं. So praxis can be viewed as progression of cognitive and physical actions like taking the action, considering the impacts of actions, third analyzing the results of the action by reflecting upon it and altering and revising conceptions and planning following reflection, number fifth implementing these plans in further actions. ये कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे जब हम प्रैक्सिस को, या प्रैक्सिस मीन्स जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग में, रियल लाइफ सिचुएशन में. इंपॉर्टेंट तभी है जब उसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में इंकल्केट करते हैं. टीचर एज अ मेडिएटर, एज अ ऑर्गेनाइजर ऐसी सेटिंग्स क्रिएट करते हैं, ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं जहाँ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और फिर अपने आइडियाज़ को रखते हैं. यही प्रैक्सिस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है.
अगर हम लोग इनकी मेथडोलॉजी की बात करें तो थ्री बेसिक स्टेप्स ऑफ दिस मेथडोलॉजी आर टू सी, टू एनालाइज एंड टू एक्ट. ठीक है, क्या है थ्री बेसिक इनके मेथडोलॉजी में? टू सी, टू एनालाइज, टू एक्ट. क्या है टू सी? क्या टू सी द सिचुएशन लाइव्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स. तभी प्रैक्सिस का वर्ड यूज हुआ है कि जो भी सिचुएशन, जो भी सीन आपके सामने दिख रहा है वो लाइव हो. जब भी लाइव होगा तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे. सेकेंड, टू एनालाइज द सिचुएशन, एनालाइजिंग द रूट कॉज. सिचुएशन जो आपके सामने इस समय चल रही है, जैसे अभी एक एपिडेमिक फैली है कोरोना वायरस, आपके सामने एक लाइव सिचुएशन आपके सामने दिख रही है. आप सब लोगों ने सिचुएशन को एनालाइज करा और इसकी रूट कॉज को जाना कि ये कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है. एक्ट क्या करना है? अब इसमें एक्ट क्या करेंगे कि हमें अवेकनिंग फैलानी. जैसे एक्ट हम लोगों ने क्या कि सीडी के स्टार्टिंग में, इस स्लाइड के स्टार्टिंग में ही मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन अपने लेसन को स्टार्ट नहीं किया. पहले आपके अंदर अवेकनिंग दी. क्यों दी? क्योंकि मैंने सिचुएशन को देखा लाइवली, ये चल रहा है, इससे बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं. एनालाइज कर सिचुएशन को, पूरे पूरे सिनेरियो को समझा, उसके बाद मैंने एक्ट करा. क्योंकि बिना सोचे समझे हम कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकते. एक्ट तभी करते हैं जब हम पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं. सो एनालाइज करा, फिर एक्ट करा टू चेंज द सिचुएशन फॉलोइंग द पर्सपेक्ट्स ऑफ सोशल जस्टिस. यही चीज़ें पॉलो फ्रेरे भी चाहते थे, स्टूडेंट्स के अंदर भी है, किसी भी देश के सिविलियन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. जो भी चीज़ें आपकी सोसाइटी में चल रही हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, अगर वो बुरी है, इन केस उससे किसी का, किसी एक क्लास को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो उसमें, उन पॉलिसीज़ में, उन तरीकों में, चीज़ों को समझने के, जानने के, उन सारे टैक्टिक्स में चेंजेस लाना ज़रूरी है ताकि उसका बेनिफिट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उठा सकें. और सोशल जस्टिस की बात, इसीलिए डेमोक्रेटिक वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अभी और आएगा जल्दी जल्दी. रोल ऑफ टीचर एंड लर्निंग सिचुएशन में क्या देखा? इसमें तीन बातें लिखी है, इगैलिटेरियन इगैलिटेरियन टीचर स्टूडेंट रिलेशंस, द को कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज एंड द लर्निंग सर्किल. ठीक है, इगैलिटेरियन टीचर स्टूडेंट रिलेशंस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इगैलिटेरियन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर से, इक्वली सबको लेके चलना. कौन? टीचर लेके चलेगा अपने क्लास में. किसी को कोई भेदभाव नहीं करना, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रिलीजन को लेकर, किसी भी लैंग्वेज को लेकर, किसी भी कास्टिज्म को लेकर, कुछ नहीं. ये सब चीज़ें रॉन्ग, नॉनसेंस चीज़ों को हटाना है. टीचर स्टूडेंट रिलेशन कैसा होना चाहिए? समानता पे होना चाहिए, कि आप भी अपनी बात रख सके और हम भी अपनी बात रख सके, तभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरी अच्छी चलती है. नेक्स्ट है द को कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज. तो को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या था? जब हम दोनों लोग मिलकर म्यूचुअली डायलॉग फॉर्म में, डायलॉग फॉर्म मतलब आप भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं भी कन्वर्सेशन कर रही हूँ, हम सब लोग साथ मिल के यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ओके, जब हम लोग साथ मिल के हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आप कुछ अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं, मैं अपने कुछ आइडियाज़ जनरेट करती हूँ, हम सब लोग अपने अपने कुछ आइडियाज़ जनरेट करते हैं. ठीक है, तो सबके आइडियाज़ निकल के एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, एक कंस्ट्रक्टिव बेस हमारे सामने आता है, एक इनोवेटिव अपडेटेड आइडियाज़ आता है. क्योंकि टीचर भी डे टू डे लाइफ में नई नई चीज़ों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देख रहा होता है, और आप लोग उससे भी ज़्यादा उसमें होते हो, उन सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, सिचुएशंस को देख रहे होते हैं. जब दोनों लोग मिल के म्यूचुअली डायलॉग फॉर्म में, कन्वर्सेशन के फॉर्म में, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, तो एक नई नॉलेज जनरेट होती है. यही सारी टीचिंग प्रैक्टिसेस पॉलो फ्रेरे अपनी क्लास में चाहते थे. फिर इसमें वर्ड आता है लर्निंग सर्किल, जिसकी मैंने वर्ड यूज़ किया था, कल्चरल टूल वर्ड यूज़ हुआ था. वैसे ही यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ होता है, कल्चर सर्किल. ठीक है, लर्निंग सर्किल ऑल्सो नोन एज अ कल्चर सर्किल, इसको कल्चर सर्किल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, दिस इज़ द हार्ट ऑफ फ्रेरेस पैडागॉजी. फ्रेरे की पैडागॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर सर्किल. कल्चर सर्किल में क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे अभी हम सब लोग, आप लोग बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग तो वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हैं. नॉर्मली क्या होता है, जब क्लासरूम हमारी होती है जिसमें टीचर स्टूडेंट दोनों इंटैक्ट रहते हैं, सो दिस इज़ द इन दिस सर्किल कंसिस्ट समथिंग समवेयर 12 to 25 स्टूडेंट्स. इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, इसलिए 12 to 25 अप्रॉक्सीमेट दिया गया है. इसमें टीचर्स भी होते हैं, दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, दोनों अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं. ये एटमोसफेयर आपको सुनने से लग रहा है कि एक डेमोक्रेटिक स्पेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का, अपने ओपिनियन रखने का पूरा पूरा हक होता है. सो इन दिस कल्चर सर्किल एवरी वन वॉइस हैज़ इक्वल वेटेज, एंड दिस कंडीशन फॉर दिस
is actively created by the teacher. वो teacher ऐसे activities को inculcate करता है, ऐसे ideas को organize करता है जिसके through सब बच्चे अपने views को रख सके बिना किसी डर के. ठीक है, तो ये आपका circle, culture circle कहलाता है और इसको learning circle के नाम से भी जाना आता है. बस ये कुछ नहीं होता इसमें कि बहुत सारे आपकी class fellows हैं, teacher हैं, दोनों मिलके आमने सामने face to face बैठकर किसी भी एक life situation की problem को साथ में बैठकर समझते हैं, जानते हैं और दूसरे के ideas को सुनते हैं, proper वेटेज मिलते हैं हर एक के व्यूज को और उसके बाद हम कोई नए थॉट्स को जनरेट करते हैं. दिस इज लर्निंग सर्कल. ये पॉलो फ्रेरे ने दिया था और लर्निंग सर्कल बोले उसको या कल्चर सर्कल, दोनों सेम चीज़ें हैं. और ये पैडागॉजी जो फ्रेरे की पैडागॉजी, उसका ये मेन हार्ट है, मेन की पॉइंट है ये. ओके ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेरेस पैडागॉजी की बात कीजिए, एजुकेशन फॉर लिबरेशन की बात की. लिबरेशन क्यों बोला गया, क्योंकि उस समय सोसाइटी में जो जो वीकर सेक्शन था, स्पेशली जो रूरल एरिया में थे, उनको इतना ज़्यादा अवेकनिंग नहीं थी अपने अधिकारों के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा इनसे बहुत, इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे. तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उनके अंदर अवेकनिंग ला सके, लिबरेट कर सके उनको उस सिचुएशन में, जिस प्रेजेंट सिचुएशन में वो लोग हैं. सो लिबरेटेड एजुकेशन इनेबल्स द लर्नर टू नो देयर डेमोक्रेटिक राइट्स टू पार्टिसिपेट इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. So, Freire's pedagogy is an educational plan to liberate those who are oppressed. Oppressed means क्या? जो दबाए गए हैं weaker section में, या जो जिनको अपने इतना तो उनको exploitation हो रहा है कि उनको awakening ही नहीं है अपने fundamental rights को लेकर. तो education ऐसी होनी चाहिए कि उनके अंदर awakening ला सके अपने अधिकारों के प्रति, अपनी capabilities के प्रति, वो क्या कर सकते हैं, किस क्षमता तक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर inculcate की जा सकती है. तो education को इसीलिए cultural tool बोला गया है. ये teaching education के through और specially teaching learning environment में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से inculcate हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर कंसर्टाइजेशन. कंसर्टाइजेशन मीन्स क्या होता है, टू कल्टिवेट क्रिटिकल कॉन्शियसनेस. ठीक है, कंसर्टाइजेशन वर्ड जहाँ यूज़ होता है इसका, इसको एक वर्ड और यहाँ पे इसी के साथ यूज़ किया जाता है, इसी को लेकर, चाहे आपके सामने कंसर्टाइजेशन वर्ड यूज़ हो और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस यूज़ हो, ये दोनों वर्ड सेम है. इसका मीन्स होता है क्रिटिकल अवेयरनेस इन द लर्नर, आपके अंदर क्रिटिकल अवेयरनेस आ सके. वॉट डू मीन बाय दिस, इट इज़ द एबिलिटी टू क्रिटिकली परसीव द कॉज ऑफ सोशल, political and economic oppression. This is the exact meaning of this particular word. क्या है, it is a ability to critically perceive. आप critically examine करते हैं do's and don'ts के साथ किसी situation को, किसी भी cause को, चाहे वो socially हो, चाहे educationally हो या political हो, जिसके कारण समाज में वो problem create हो रही है, उसको eradicate कैसे किया जाए. You have to critically consciousness, that means you have critically aware yourself that particular cause. So this is the in-depth understanding of word and resulting freedom from oppression. So इसीलिए oppression से दूर रहने के लिए, यानी कि किसी के साथ harassment ना हो, कोई victimization word use होता है तो कोई victimize ना हो सके, चाहे male हो, चाहे female हो, चाहे adults हो, चाहे children हो, सबके अंदर awakening आ सके, capabilities आ सके. और इसलिए liberal होना चाहिए आपकी education को. जब liberal होगी तब आप critical awareness करने लायक आप बनते हैं, तब आप चीज़ों को, पूरे सिनेरियो को देखते हैं, समझते हैं और तब उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हैं. इसीलिए वहाँ पे उनकी मेथोडोलॉजी में क्या था, टू सी था, सबसे पहले देखना, समझना और सबसे लास्ट में था तब आप एक्ट करते, तब आप कोई रिस्पॉन्सेस देते हो. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस. फिर आपका आता है प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, जिसको बुलाता है PPE. ठीक है, PPE मीन्स क्या, कि ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ एजुकेशन है, कन्वेंशनल मेथड नहीं है. इसके थ्रू क्या होता है कि हम कन्वेंशनल मेथड थ्रू के नहीं, बल्कि हम नए सेटअप में, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में अपनी एजुकेशन को रखते हैं. एंड दिस वाज अगेंस्ट ऑफ अथॉरिटेरियन मेथड ऑफ एजुकेशन विच ही कॉल्ड बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन. बैंकिंग सिस्टम एजुकेशन का मतलब कि ट्रेडिशनल आपके एजुकेशन सिस्टम है, उस पे ये लाए नहीं करता है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में, ये बिल्कुल नए तरीके का है. और जो बैंकिंग सिस्टम है ये हमारा पुराने तरीके का, जिसमें किसकी अथॉरिटी होती है, टीचर की अथॉरिटी होती है, वही से बोलता जाता है, सामने वाला सिर्फ और सिर्फ उसको समझता जाता है, माइंड में रखता जाता है. और क्या समझ रहा है, समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, टीचर को उससे भी मतलब नहीं होता. तो इस तरह का कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं होना चाहिए. ये सिचुएशन आपका स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम पोजिंग आपका स्टार्ट होता है लाइफ सिचुएशन से, रियलिटी ऑफ द लर्नर से. और टीचर एज अ ऑर्गेनाइजर इसमें एक्टिविटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बट एज अ मीडिएटर वो वर्क करता है. बच्चे ज़्यादा इसमें वर्क करते हैं, उनको वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है. सो टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिव इन थिंकिंग अबाउट देयर वर्ड. और थिंकिंग अबाउट देयर वर्ड कैसे करेंगे, जब वो पूरे सिनेरियो को पूरा अच्छे से परसीव करेंगे, अपने कॉग्निशन में लाएंगे.
So students learn better when they create knowledge and when knowledge is created for them. कौन create करता है इनके लिए knowledge, वो कौन organize करता है situation को, वो teacher करती है. तो ये problem posing method या आप PPE model कह सकते हैं, ये बहुत important है इनके Paulo Freire की pedagogy में. Okay. Hi Somnath, welcome to Unacademy. Two-way communication. Okay, ये पहले आपने बोला है. All right. फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल जस्टिस लर्निंग. ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल जस्टिस लर्निंग में क्या कि पीपल लोग अपने, जब आपके अंदर अवेकनिंग आ जाएगी लिबरेशन के थ्रू, आपको हम नई नई चीज़ें बता रहे हैं, आप डायलॉग फॉर्म के थ्रू अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्या जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिसीज में क्या चल रहा है, करिकुलम में क्या चल रहा है, आज का डिफरेंट क्या सिनेरियो है, टीचिंग मेथड्स में क्या चल रहा है, टीचिंग लर्निंग में क्या क्या नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं. तो इस तरीके से आप अपने अंदर सब चीज़ें, नई नई इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करते हैं. और फिर उसमें जैसे जीन प्याजे में क्या होता है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन वाला जो प्रोसेस होता है, जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, उसमें क्या हम चीज़ों में बदलाव लाते हैं, नई नई नॉलेज लेते हैं तो पुराने नॉलेज में चेंजेस लाते आते हैं, और जो नॉलेज आज के टाइम पर यूजफुल नहीं होती उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम चला आ रहा है, जो हमारे अजम्पशंस है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया है, उसके प्रति हमारे अंदर डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है. और अगर कुछ ऐसी चीज़ें अगेंस्ट में होती जो सही नहीं हो रही या ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं लोग उसके खिलाफ अब आवाज़ आप लोग देखते हैं उठाते ही हैं. और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक सोशल चेंज आता है कि अब आप किसी की आवाज़ को उठा नहीं सकते. और ये इस सबको जो अवेकनिंग ये दे कर रहा है, ये दे रहा है हमारा कल्चरल टूल क्या, एजुकेशन as a perfect strong cultural tool. So it fosters the capacity to live life more meaningfully. इसीलिए education कैसी होनी चाहिए, education transforming social justice learning, जहाँ पर सबको एक पर अपॉर्चुनिटीज हो, न्याय सबके लिए हो, कुछ अलग अलग ना हो. इन्होंने कुछ अदर एरियाज पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जैसे आपका आता है क्रिटिकल पैडागॉजी. क्रिटिकल पैडागॉजी दैट मीन्स क्रिटिकल अवेयरनेस इन द लर्नर. ठीक है, यही वर्ड उन्होंने यूज़ किया ना अपने, इन्होंने बुक्स में भी क्रिटिकल पैडागॉजी वर्ड यूज़ किया. तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या होता है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस होता है, इट इज़ अ एबिलिटी टू क्रिटिकली परसीव द कॉज ऑफ सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, एंड लर्नर आर एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑपरेशन एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. आपके अंदर पूरी चीज़ों को समझने का, जैसे कि गेस्टाल्ट फिलोसफी क्या कहते हैं, द होल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सम ऑफ इट्स पार्ट. यानी कि आप इतने काबिल हो गए कि आप क्रिटिकली सारी चीज़ों को, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, पूरे इशू को पूरी तरीके से पहले जाने और समझें, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पोलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो. और उस इशू से आपका जो एक सेशन है, जो रूरल एरिया है, जो रूरल सेक्शंस है, या एक पर्टिकुलर क्लास है, जो वीकर सेक्शन है, अगर वो चीज़ें, जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी में, जो चेंजेस ला रही हैं, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ही बेनिफिट कर रहा है, बाकी एरिया को उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है या निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो आपके अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आती है, आप अवेकनिंग आपके अंदर आती है, फिर आप उन चीज़ों के खिलाफ बोलना सीख लेते हैं, हिम्मत करके आप सिस्टम में रहकर चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं, बोलते कि नहीं ये किसी एक सोसाइटी के इम्पैक्ट, सोसाइटी के किसी एक वर्ग को इम्पैक्ट डाल रहा है, ये डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, हमें सबको साथ लेके अगर चलना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल सबके सामने सारे अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके सामने होनी चाहिए. एजुकेशनल के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, जॉब के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हैं उसके लिए भी सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, ताकि सब लोग एक साथ डेवलप कर सकें, तभी एक सोसाइटी अच्छे से राइज होती है. सो दिस अप्रोच इज़ प्रॉब्लम बेस्ड. ये प्रॉब्लम बेस्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उनके इश्यूज को हम देखते हैं, उसके अंदर जड़ तक जाते हैं, तो ये एक तरह से आपके अंदर डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है. सो दिस क्रिएट इगलेटेरियन एंड अ जस्ट सोसाइटी. इगलेटेरियन मीन्स क्या होता है, एक समान भाव, जिसको हम डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ करते हैं, सबके लिए सब कुछ बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको जस्ट सोसाइटी वर्ड इसमें यूज़ किया गया. तो इन क्रिटिकल पेडागॉजी दिस फोकस ऑन डायलॉग इंस्टेड ऑफ वन वे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. तो क्रिटिकल पेडागॉजी में क्या होता है कि डायलॉग फॉर्म को इसीलिए बार बार इंकल्केट किया गया, इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किया गया. डायलॉग मीन्स कि टीचर स्टूडेंट के बीच में डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, दोनों लोग अपनी बात रखें, बट स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा अवसर मिले अपनी बात को रखने का, ताकि वही अल्टीमेटली सोसाइटी के फाउंडर वही लोग बनेंगे, जो आज बच्चे हैं तो कल वो एडल्ट भी होंगे, तो जो चीज़ें अभी वो सीखेंगे, फियरलेस होंगे, तभी वो अपने आइडियाज़ को जनरेट कर पाएंगे. तो इसीलिए क्रिटिकल पेडागॉजी का जो टीचिंग टूल है वो डायलॉग है, इसमें वन वे ट्रांसमिशन नहीं होता. सोमनाथ ने सही बोला था, टू वे कम्युनिकेशन इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने क्यों वर्ड यूज़ किया, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में क्या किया गया कि जिस तरीके से आपका एम्प्टी अकाउंट होता है, आप अपने पैसों से फिल कर देते हैं, सिमिलरली टीचर अपनी नॉलेज से बच्चों के एम्प्टी माइंड में फिल कर देते हैं नॉलेज. इस तरीके से आपके सामने ये दिख रहा है, ये पिक्चर आपके सबके सामने डिपिक्ट हो रही है ना.
इसमें क्या हो रहा है, टीचर बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट करते हैं आप पैसे अपने अकाउंट में, तो टीचर को एज अ डिपॉजिटर वर्क किया गया है, और ये क्या है, स्टूडेंट एज अ डिपॉजिटरीज, जिसके माइंड में सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन भरी जा रही है, और हम टीचर बच्चे को समझ में कितना आया या नहीं आया वो हम क्या लेते हैं, टेस्ट के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में हम चेकआउट करते हैं, मेजर करते हैं उसने कितना सीखा कितना जाना। तो इसमें क्या हो रहा है, कन्वेंशनल फॉर्म चल रहा है, टीचर बोलता जा रहा है बच्चे के माइंड में भरता जा रहा है भरता जा रहा है भरता जा रहा है, विदाउट ये जाने कि वो उसके मेंटल फैटिक तो नहीं हो रही है, कहीं वो नर्वस तो नहीं है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे टीचर क्या होता है, अथॉरिटी उसकी होती है, वो सिर्फ पढ़ाता है, वो मेन होता है, और स्टूडेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। जबकि फ्रायरे जो है इसके खिलाफ थे, वो क्या कहते हैं कि बच्चों को एज अ ऑब्जेक्ट हमें ट्रीट नहीं करना है, बच्चों को एज अ सब्जेक्ट हमें ट्रीट किया है करना है, एज अ सब्जेक्ट दे आर एबल टू क्रिएट देयर ओन डेस्टिनी, जब वो खुद अपनी आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं, खुद सोच और समझ रहे हैं, तो इतने काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ले जाए। तो अगर हम सिर्फ उनको भरते जाएंगे तो वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद क्या होगा, एग्जाम में वही चीज़ दिखा देंगे कि हाँ इतना याद किया, एग्जाम में आपने फुल मार्क्स दे दिए, मेजर हो गए इसकी इंटेलिजेंस, इस तरीके से ना तो कोई स्किल डेवलप होगी ना कुछ, आप उसे क्या बना देंगे उसे खुद पता नहीं, एक मशीन एक तरह से बच्चे बन रहे हैं कि आपने ज्ञान को डाला और भरते गए और एग्जाम में उसको मेजर कर लिया, इसने सीख लिया। ये जो कन्वेंशनल तरीका है जिसमें बच्चा पैसिव लर्नर होता है, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, इसके खिलाफ पालो फ्रेरे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में टीचर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर टॉट, टीचर सब चीज़ें जानते हैं बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, टीचर थिंक्स एंड स्टूडेंट्स आर थॉट अबाउट, बच्चे बस स्टूडेंट टीचर ही थिंक कर रही है, वही सब कुछ नॉलेज दे रही है, बच्चे के माइंड में बस भरती जा रही है, ठीक है। टीचर चूजेस एंड इन्फोर्सेस हिज चॉइस एंड स्टूडेंट्स आर कंप्लाई टू ओबे हिज चॉइसेस, जो भी टीचर ने करिकुलम में रखा है, जो भी टीचर ने पढ़ाने का तरीका सोचा है, वो सब कुछ टीचर करेगा, क्योंकि मेन अथॉरिटी टीचर के पास पास होती है, स्टूडेंट उसमें कुछ नहीं कर सकता, एज अ ऑब्जेक्ट वो वर्क करता है और उसको मानने के लिए वो बाध्य होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि द टीचर कन्फ्यूजेज अथॉरिटी ऑफ नॉलेज विद हिज ओन प्रोफेशनल, सो अथॉरिटी विच ही सेट्स, यानी कि जो टीचर अथॉरिटी सेट्स करता है, इज अपोजिशन टू द फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स, तभी फ्रीडम ऑफ ऑप्रेस्ड वर्ड यूज़ किया गया। ऑप्रेस्ड में स्टूडेंट्स, एडल्ट, वीकर सेक्शन, रूरल सेक्शन, बच्चे, सब कुछ, पूरा वाइड एरिया को ये कवर करता है। बैंकिंग नॉलेज में बैंकिंग कॉन्सेप्ट इसलिए दिया क्योंकि कन्वेंशनल टीचिंग जो थी वो इसी तरीके की थी, बस ज्ञान बच्चे के दिमाग में भरा जा रहा था, बस ये जाने कि उसने कितना सीखा। जैसे एक मशीन में प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर होते हैं, तो एक प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर हो रहे थे जिनमें ना तो कोई स्किल्स थी, ना सेंसिटिविटी थी, ना इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, ना इमोशनली कुछ वो उनमें कुछ डेवलप हो रहा था। तो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग कैसे होंगे, फिर डिफेक्टेड होते हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की फ्रीडम को हैरेस कर रही थी। ऑप्रेस्ड का मतलब ही होता है कहीं भी आपके साथ आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसके साथ कहीं भी अगर छेड़छाड़ की जाए, इन एक्सप्लॉयटेशन के टर्म्स के जाम, या आपको विक्टिमाइज किया जाए, ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेशन में आती है। यहाँ बच्चों की क्या हैरस हो रही है, यहाँ पे फ्रीडम हैरस हो रही है, क्योंकि वो बाध्य है जो टीचर कह रहा है उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि टीचर के साथ उसका टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। स्टूडेंट रिमेन अ पैसिव लर्नर और टीचर से बोलता आता, बच्चे बस सुनते जाते हैं। लेकिन इसी के खिलाफ थे और इसी के अगेंस्ट उन्होंने क्या लाया था, बैंकिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, कन्वेंशनल सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PPE, जो भी उन्होंने देखा था, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन होना चाहिए। ये आपकी उस बैंकिंग सिस्टम यानी कि कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टीचिंग के खिलाफ थी। इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों ही एक साथ सीखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही सिखाता है, वो खुद भी सीखता है, ठीक है। तो डायलॉग का जो टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है प्रॉब्लम पोजिंग लर्निंग में, इसको PPE बोलते हैं, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, ठीक है। ओके, स्माइली यानी प्रियंका ने पूछा कि क्या बैंकिंग सिस्टम को इग्नोर किया, बैंकिंग सिस्टम को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने लाइव एग्जांपल के थ्रू बताया कि जैसे बैंक में हमारे एम्प्टी अकाउंट से हम लोग मनी से फिल करते हैं, बैंक में क्या करते हैं, रुपयों का लेन देन, यानी कि हम मनी वहां से निकालते हैं और डिपॉजिट करते हैं, जैसे बैंक में ये मेन काम तो यही होता है बैंक का, है ना। तो वही सेम चीज़ हमारे एजुकेशन में चल रही थी कि बच्चे के माइंड जो है अकाउंट की तरह खाली है, वो फिल्ड किससे हो रहे हैं, टीचर की जो नॉलेज, जो टीचर जानता है, क्योंकि स्टूडेंट कुछ नहीं जानता, टीचर जानता है। और अकाउंट कैसा होता है, आपका पैसिव होता है ना, आप ही जाके अपने अकाउंट का ऑपरेट करते हैं, जितना मन हुआ उतना पैसा आपने जमा करा, जितना मन हुआ अपने पैसा निकाल लिया। सिमिलरली बच्चों के दिमाग में भी टीचर ही ऑपरेट करा, उसके बच्चे को दिमाग को भी क्या करा, जितनी मर्जी उतनी शिक्षा दी, जैसा मेथड उसको सही लगा उस मेथड को उसने यूज़ किया, ये जाने के बिना कि हर एक बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट है दूसरे बच्चों से। जो मेथड एक के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है वही मेथड दूसरे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। तो हमें ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लाने होंगे जिससे कि सारी चीजें, जब हम बच्चे हैं इतनी बड़ी तादाद में सामने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनके साथ हम वो सारे इस इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू वो चीज हमें सिखाना चाहते हैं, उन्हें हम सबको एक साथ सिखा पाए,
उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देकर बताया था कि किस तरीके से ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहा है जो कि ठीक नहीं है, इसलिए इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन का ये मॉडल लाया जिसको PPE मॉडल कहते हैं। ये ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ एजुकेशन देता है जिसको इन्होंने बताया कि ये बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो चल रहा था कि सिर्फ माइंड में इंफॉर्मेशन फील्ड करना और कुछ स्किल डेवलप ना करना, कोई इमोशंस डेवलप ना करना, कोई फीलिंग्स डेवलप ना करना, इंटरनेशनल ब्रदरहुड के बाद जो हमारे थिंकर्स कहते हैं वो सबसे कोई लेना देना नहीं था। तो जबकि इस मेथड में बिल्कुल इसके अपोजिट था, इनोवेटिव मेथड था जिसमें टीचर और स्टूडेंट डायलॉग फॉर्म यानी कम्युनिकेशन के थ्रू टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में क्या था कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या था कि स्टूडेंट एज अ ऑब्जेक्ट था, बल्कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नहीं एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, वो अपने ओपिनियन अपनी थॉट्स को रख सकता है और टीचर इक्वली सभी बच्चों के थॉट्स को इक्वली वेटेज देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचर एक्ट एज अ मेडिएटर एंड ऑर्गेनाइजर। ठीक है, समझ में आ गया। कन्वेंशनल, सोमनाथ ने पूछा है कि कन्वेंशनल टीचिंग ही क्या बैंकिंग सिस्टम है। कन्वेंशनल टीचिंग ही बैंकिंग सिस्टम ने, हाँ बिल्कुल सही, कन्वेंशनल टीचिंग ही बैंकिंग सिस्टम से उन्होंने इसको डिनोट किया है। उन्होंने लाइव एग्जांपल्स के थ्रू आपको एजुकेशन देने की बात कही है पाउलो फ्रेरे ने, तो बैंकिंग सिस्टम का एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि ट्रेडिशनल मैथड जैसे बैंक में वर्क होता है वैसे ट्रेडिशनल मैथड ऑफ टीचिंग जो है हमारी इसी तरीके से चल रही है जिसको बदलने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने PPE मॉडल दिया। तो इसमें प्रैक्सिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कैसे अप्लाई करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, पहले कोई भी आइडेंटिफाई करते प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम सबसे पहले कौन सी होगी वो आपकी लाइफ सिचुएशन से जुड़ी होगी। किसकी लाइफ सिचुएशन से? लर्नर की लाइफ सिचुएशन से। फिर रिसर्च करते उस प्रॉब्लम पे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे उसको दूर करना है, देन डेवलप अ कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन टू एड्रेस द प्रॉब्लम, देन इंप्लीमेंट द कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन। कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन किसके कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन है? यहाँ पे स्टूडेंट के भी हैं और हमारे टीचर के भी, क्योंकि दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट, इंगेज होकर प्रॉपरली एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर उस प्रॉपर जो भी कोई प्रॉब्लम है उस पर काम कर रहे हैं। लास्ट में क्या होता है? इवेल्युएट द एक्शन, एसेस इट्स एफिकेसी एंड री एग्जामिन द स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम। इस तरीके से ये पूरी चीज़ें चलती हैं क्रिटिकल प्रैक्सिस के थ्रू। प्रैक्सिस का मतलब मैंने क्या था? इंप्लीमेंट करना। तो कैसे ये इंप्लीमेंट हो रहा है PPE में टीचिंग लर्निंग, ये उसका पूरा ये है उसका चार्ट। टाइम ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, पीपी में टीचर स्टूडेंट मिल करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है टीचर मेडिएटर होता है, वो उतना वर्क नहीं करता। ठीक है, वो वर्क करता है मतलब जैसे फिलोसफी की तरह एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एज अ गाइड वो वर्क करता है। वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको लाइफ सिचुएशन की दी जा रही है वो सिर्फ क्रिएट करता है, बच्चे को गाइड कर देगा। बच्चे आपस में मिल करके, साथ में मिल करके कलेक्टिवली उस पर वर्क करते हैं, उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यहाँ पे प्रैक्सिस वर्ड यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाती है कि आज ये प्रॉब्लम ऐसी दिख रही है तो हो सकता है 10 साल बाद 5 साल बाद ऐसी प्रॉब्लम फिर से दिखे, तो अब कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहती है? ये तो कहती है ना कि आप एक सिचुएशन में जो सीखा आप उसको नेक्स्ट सिचुएशन में अप्लाई कर सके। ठीक है, तो प्रैक्सिस मीन्स क्या? अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना, अमल में लाना, प्रयोग में लाना। तो जो चीज़ें आज आप सीख रहे हैं अगर कभी ऐसी चीज़ें 10 साल 20 साल 5 साल कुछ महीने बाद भी आए तो आप आसानी से उन सिचुएशंस को फेस कर पाएँ। ठीक है, तो यही चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में रखी गई हैं, इसलिए इसको लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू जोड़ा गया है। जितनी भी लाइफ सिचुएशन स्टूडेंट की हो, दुनिया को कैसे देखना है, किस नज़रिए से देखना है, क्या परसीव वो कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आज के समय में आ रही है, हो सकता है प्रॉब्लम बाद में फिर से अकर करे, तो कैसे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे एक दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेट करके, यही चीज़ हम ये सिखाना चाहते हैं। समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन है, बहुत जल्दी ख़त्म हुए क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं इसमें इन्वॉल्व करना चाह रही थी। जब तो मैंने इतना कम करा तब तो 8:08 बज गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, बट ये 1 आवर से ज़्यादा का है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सारे जो टॉपिक्स जो टर्म्स यूज़ होते हैं एक्चुअली इन 1 आवर क्लास में कवर अप हो जाएं। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेटर्स डेवलप्ड क्रिटिकल पेडागॉजी एज एन एजुकेशनल अप्रोच। ये बहुत आसान है, अगर आपने ना पढ़ा होता तो शायद प्रॉब्लम होती। व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे पोलिंग नहीं होती, आप लोग अपने आंसर्स मुझे यहीं पे दें। Which of the following educators develop critical pedagogy as an educational approach? A, B, C, D. क्या आंसर इसका जल्दी से बताएं? वैशाली, स्माइली, सोमनाथ, ज्योति, प्रियंका, मंजू। ओके, बहुत सारे लोग आ गए इसमें, जल्दी से बताएं। अंबिका, फिरदौस, इम्तियाज, अमन, ज्योति। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। क्या इसका आंसर होगा A, B, C, D में से? ओके, परिश्मिता ने बताया है ए, वैशाली ने भी बोला है ए, ज्योति
ज्योति क्या अंबिका ने बोला ए, ठीक है. तो किसने क्रिटिकल पैडागॉजी वर्ड यूज लिखा हो यहाँ पे, या क्रिटिकल के साथ पैडागॉजी की जगह का कॉन्शियसनेस भी लिखा हो, तो भी आप समझ जाएगा किसने दिया है, या पाउलो फ्रेरे ने दिया है. ठीक है. ज्योति ने क्या बोला कि पैसिव फॉर्म में होता है टीचर, आप उसका प्रॉब्लम पोजिंग का पूछा ज्योति. पैसिव फॉर्म में हाँ कह सकते हैं पैसिव फॉर्म में होता है, पर बिल्कुल ही पैसिव नहीं होता. एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर, एज अ मीडिएटर, वो ऑर्गेनाइजर होता है उन लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करने का, फिर बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू उसमें वर्क करते हैं. ठीक है. बस बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता, उनके बिल्कुल न्यूट्रल रहे ऐसा भी नहीं रहता. ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम डायलॉग मेथड की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन होता रहता है, बस बच्चे सॉल्व करने की खुद कोशिश करते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है, सही दिया आप लोगों ने, पॉलो फ्रेरे. नेक्स्ट है, पैडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस इज ऑथर्ड बाय, ये तो बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है. इसका आंसर क्या होगा, पैडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस इज ऑथर्ड बाय, या अगर इसकी जगह हो सकता है और भी बुक्स के नाम जो मैंने आपको दिए हैं, वो बुक्स के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, और भी जो वर्क्स हैं जितने हैं आपको मिल सकते हैं, आप उनको भी ऐड करिएगा. ओके, स्माइली, ज्योति, अंबिका, अंबिका ने दिया है ए, करेक्ट है. पाउलो फ्रेरे ने ही लिखी है पैडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस. इसके कोई और बुक भी हो सकती है, आप इससे बहुत ही चल गया नाम फैमिलियर है. जो अदर वर्क्स हैं जो हमने लिखे हैं आज के स्लाइड में देखे, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा. ठीक है, ललिता ने भी, बैटी, इन सभी लोगों ने ए दिया. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर स्मार्ट फीडबैक. ओके स्माइली, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है. पाउलो फ्रेरेस थ्योरी ऑफ डायलॉजिकल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट. अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, डायलॉजिकल कम्युनिकेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्या डायलॉग की है ना, सोमनाथ ने सही बोला था ना, इसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है. हमारा कम्युनिकेशन कैसा होता है, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, समझ में आ गया. पाउलो फ्रेरेस थ्योरी ऑफ डायलॉजिकल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, ग्रुप कम्युनिकेशन, बी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सी मेडिएटेड कम्युनिकेशन, और डी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या होगा इसको बताएं, पॉलो फ्रेरेस थ्योरी ऑफ डायलॉजिकल कम्युनिकेशन. अब डायलॉजिकल लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि क्या नया आ गया, डायलॉग मैथड, टू वे कम्युनिकेशन की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्रिएट एग्जैक्टली सही होगा. ए, बी, सी, डी, सारे ऑप्शन के मतलब चारों के अलग अलग हैं. अगर डायलॉग में आपने ध्यान समझा है, टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों करते हैं, यानी कि क्लास में कम्युनिकेशन हो रहा है, टीचिंग लर्निंग में हो रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो कैसा कम्युनिकेशन होगा. ठीक है, अंबिका ने बोला है बी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, वैशाली ने बोला है बी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एंड ज्योति ने बोला है ए ग्रुप कम्युनिकेशन. जल्दी से लोग और भी लोग आंसर्स दें, इसमें क्या होगा इसका आंसर. बैठी ने भी बोला है ए, स्माइली ने बोला है ए, यानी प्रियंका, प्रियंका ही तो है स्माइली. ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन समझ रहे ना, टीचर स्टूडेंट हो रहा है तो यहाँ पे एक ही स्टूडेंट थोड़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो ग्रुप में, जैसे हम सब लोग यहाँ वर्चुअल क्लास में भले ही बैठे हैं, पर हम लोग का ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इंटर इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, हमारा खुद से, हम अपने आप के अपने इमोशंस को देखते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं. मेडिएटेड कम्युनिकेशन क्या होता है, टीचर की बात की है तो बीच में कोई एक व्यक्ति होता है जो मेडिएटर का काम करता है कि दोनों की पार्टीज या टू या थ्री पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है. लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी को पता है. अच्छा अच्छा, क्या हुआ, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, लेट से आ रहा है. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इन सभी चीज़ों की ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स रहेगी प्लेलिस्ट में, आप देख लेना. ठीक है, लेट से आ रहा है तो थोड़ा हो सकता है, होता है सबके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जैसे मैंने बताया था कि ग्रुप कम्युनिकेशन जब मैं बात कर रही थी, तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, इसका आंसर ग्रुप कम्युनिकेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर थोड़ा होता है. क्लासरूम में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ टीचर डायलॉग फॉर्म में कैसे करता है, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, सबके साथ मिलकर हम कम्युनिकेट करते हैं. तभी हम लोग जो वर्ड यूज़ किया था, कल्चरल सर्किल, ठीक है ना, कल्चरल सर्किल वर्ड यूज़ हुआ था. उसमें क्या हम लोग बता रहे थे, कल्चरल सर्किल में क्या था कि वहाँ पे 12-25 स्टूडेंट्स होते हैं, इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं. इन स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जिसमें टीचर कुछ प्रॉब्लम को रखता है और मिलके दोनों लोग किसी प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं. तो ये ग्रुप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इंट्रा में नहीं होगा. इंट्रा में क्या होता है, हम अपने इमोशंस, अपनी चीज़ों को, स्किल्स को देखते हैं. समझ में आ रहा है, हाँ, ओके
ओके हाँ, स्माइली, बैटी, ज्योति, वैशाली सब ने बताया, ठीक है. नहीं नहीं बी नहीं होगा, इंटरपर्सनल नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ए है ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है. यस, इंट्रा टू सेल्फ से होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ए, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आ गया. इसी के साथ ये सेशन होता है दी एंड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब अनअकैडमी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल इन एंड अनअकैडमी. इसका पूरा नाम क्या है? अनअकैडमी NTA UGC नेट लाइव. तो जितने भी एजुकेटर्स एनटी नेट कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग एनटी के एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट पेपर भी उतना इंपॉर्टेंट है. तो सभी एजुकेटर्स फ्री कोर्सेज जिनको लेना है, समझना है, तो इन सबको ऑफिशियली ये वेबसाइट है इसको आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, जैसे यूट्यूबर्स बोलते हैं उसको प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाएगी. ठीक है, मिलते हैं आज की 10 बजे की क्लास में, जो कि हम लोग 90 मिनट का सेशन होता है जिसमें हम लोग ग्रेट डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन. हैव अ नाइस डे. कोई प्रॉब्लम अभी तक? कुछ रिवाइज करना है, कुछ जल्दी से पूछना है कुछ? ओके.